Well, hello everyone. This video में we are going to practice more on graphs. Writing task one में जो graphs आते हैं उसकी हम और practice करने वाले हैं. This book is Kiran Makkad writing task book and we are going to discuss from 23rd graph. Okay, let's start. देखो हमें ये तो मालूम है कि graph में हमें तीन चीज तैयार करनी होती हैं. जो first हमें ready करना है that is introduction. इंट्रो तैयार करना है. सेकेंड जो हमें तैयार करना है दैट इज मेन बॉडी एंड थर्ड में पॉइंट तैयार करना होता है दैट इज ओवरऑल. ये तीन चीज तैयार रखनी है और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम ये तैयार करते हैं क्या बोलते हैं राइटिंग टास्क तैयार करते हैं इसमें कंक्लूजन्स नहीं होते. फर्स्ट क्या होगा इंट्रो, सेकेंड वुड बी द मेन बॉडी एंड थर्ड वुड द ओवरऑल. ये तीन चीजें हमें तैयार करनी है. सो लेट स्टार्ट डिस्कसिंग दिस चार्ट. द चार्ट ग्राफ बिलो शोज द एवरेज कैलोरी इन इनटेक. कैलोरी का कितना इनटेक है पर पर्सन इन एट कंट्रीज इन 2003. समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन वेयर रिलेवेंट. वो बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहला जो हमें इंट्रो तैयार करना है एंड वी नो के वॉट वी राइट इन द इंट्रो. First of all, we write type of graph, then we write what the graph is about, then when, and then where. ये चार बातें हमें लिखनी होती हैं इंट्रो के अंदर. So type कौन सा ग्राफ का? Type is, it's a bar graph, you can see here. And what the graph is about. So the given bar graph illustrate the average intake of calorie per person in eight different countries in the year 2003. ये हमारा इंट्रो बन जाएगा. अब थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं. देखो जो कैलोरी इनटेक है 2003 में वो क्या है. ओके सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो इसके बाद हमने करा था. देखो यहाँ पर एक ही डायरेक्ट बन जाएगा, मीन्स यहाँ पे दो पॉइंट्स तो है नहीं, इसके हम बीपी एक ही बना देंगे. एक ही हमारा मेन बॉडी बनेगा. अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं मैक्स. अब देखो मैक्स में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे यूएसए और न्यूजीलैंड, यहाँ पे हमें मैक्सिमम कैलोरी इनटेक दिख रहा है ऑफ लेस देन 3500. इसको हम एक कैटेगरी में सकते हैं. और जो हमारा मिनिमम कैलोरी इंटेक है वो इंडोनेशिया के अंदर है. और ओवरऑल देखें तो हर एक कंट्री के अंदर जो कैलोरी इंटेक है वो अबव 1500 है. ये बात भी हम देख सकते हैं, जो कैलोरी इंटेक है दैट इज अबव 1500. ठीक है ना. अब देखो सबसे पहला हम लिखेंगे मैक्स, फिर हम लिखेंगे मिनिमम. ठीक है ना. उसके बाद हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. देखो मैक्सिको एंड स्पेन की ग्रुपिंग हम एक साथ कर सकते हैं. दे विल फॉल इन द सेम ग्रुप और इनका 2500 के आसपास कैलोरी इंटेक है. और जो इंडिया है और चाइना है यहाँ पे कैलोरी इंटेक कितना है 2000 है. और सोमालिया में कैलोरी इंटेक क्या है, इट्स लेस देन 2000. ये बातें हमने पहले चार्ट में समझ ली. अब हम इसको देखते हैं कि हमें मेन मेन बातें क्या लिखनी है. जब मेन बॉडी बनाएंगे सबसे हम लिखेंगे मैक्स. अब मैक्स में लिखेंगे तो यूएसए एंड द सेकेंड कंट्री इज न्यूजीलैंड. यूएसए एंड न्यूजीलैंड में जो है कैलोरी इनटेक मैक्स है और वो कितना है, इट्स जस्ट लेस देन 3500. ठीक है ना, लेस देन 3500. और जो मिनिमम कैलोरी इनटेक है वो किस कंट्री के अंदर है, विच इज द कंट्री इन विच देर इज मिनिमम कैलोरी इनटेक, इट्स इंडोनेशिया. द कंट्री इज इंडोनेशिया. इंडोनेशिया कंट्री है और इस कंट्री के अंदर कैलोरी इनटेक इज लाइक मोर देन लेस देन 1500 or it's around 1800, I think it's around 1800 and it's almost half of USA and UK, we can say like this. ठीक है ना. और इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप से देख लेते हैं. स्पेन एंड मैक्सिको दे आर हैविंग कैलोरी इनटेक ऑफ जस्ट अराउंड 2500. स्पेन एंड इंडोनेशिया में कितना है, ऑलमोस्ट अराउंड 2500 इज ए कैलोरी इनटेक. एंड इंडिया एंड चाइना दे हैव एन इनटेक ऑफ अराउंड 2000. इंडिया एंड चाइना दे हैव एन इनटेक ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 2000 कैलोरी इनटेक. एंड स्मॉल सोमालिया का कितना इनटेक है, इट्स अ बिट अबव इंडोनेशिया एंड इट्स अबाउट 1900 कैलोरी. तो सोमालिया है, इट्स अ बिट ग्रेटर देन इंडोनेशिया एंड इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1900 कैलोरी. ये हमने रफ पॉइंट अपने इकट्ठे कर लिए हैं. और जो हम दिस इज द रफ वर्क वी हैव टू डू. ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल हम लिखेंगे कि मैक्सिमम कैलोरी इंटेक किस में, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के अंदर है. मिनिमम इंडोनेशिया के अंदर है. और
और यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पेन, मेक्सिको, और जो मिनिमम कैलोरी इंटेक है तुम लिखेंगे, मैक्सिमम कहाँ पे है, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के अंदर है, और इंडोनेशिया के अंदर मिनिमम है, और जितने भी कंट्रीज हैं हर एक का कैलोरी इंटेक 1500 से ज्यादा है। ये बातें हम लिख सकते हैं हमारे ओवरऑल के अंदर। सो दीज विल द पॉइंट्स, ये हमने रफ वर्क कर लिया, दिस इज द आर रफ वर्क। अब इस रफ वर्क को हम क्या कर देंगे, फेयर में कन्वर्ट कर देंगे, विल मेक इट्स फेयर। और फेयर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देते हैं इंट्रो, द गिवन बार ग्राफ कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कैलोरी इनटेक पर पर्सन इन ए डिफरेंट कंट्रीज इन द ईयर 2003। ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। अब हम मैक्सिमम लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन इजीली बी अंडरस्टूड और इट कैन इजीली ऑब्जर्व दैट यूएसए एंड न्यूजीलैंड हैव द मैक्सिमम कैलोरी इनटेक पर पर्सन विच इज अराउंड 35, विच इज लेस देन, जस्ट लेस देन 3500 कैलोरीज, एंड इंडोनेशिया इज एट द लीस्ट पोजिशन विद इन इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक पर पर्सन विच इज जस्ट अबव 1800 कैलोरीज। स्पेन एंड न्यूजीलैंड दे स्पेन एंड विच कंट्री वॉज इट, स्पेन एंड मैक्सिको, ओके द सेकेंड इंट इज मैक्सिको। स्पेन एंड मैक्सिको दे टूगेदर दे हैव कैलोरी इनटेक ऑफ अराउंड 2500, एंड इंडिया एंड चाइना दे हैव कैलोरी इनटेक ऑफ अराउंड 2000 कैलोरीज पर पर्सन। सोमालिया हैज कैलोरी इनटेक जस्ट अबव इंडोनेशिया, नॉट द लीस्ट बट द सेकेंड लीस्ट, वी कैन से सोमालिया इज द सेकेंड लीस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक, इट्स जस्ट अ बिट अबव इंडोनेशिया, एंड कैलोरी इनटेक इन सोमालिया पर पर्सन इज 1900 कैलोरीज। एंड और लिखेंगे यूएसए एंड न्यूजीलैंड, दे इन न्यूजीलैंड एंड यूएसए द कैलोरी इनटेक पर पर्सन इज मैक्सिमम, एंड इन इंडोनेशिया इट इज मिनिमम, एंड इन ईच कंट्री द कैलोरी इनटेक इज जस्ट अबव 1500 कैलोरीज। तो ये हमने, द मेन थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल अंड रीड इट वेरी वेल, रीड द ग्राफ वेल, अंडरस्टैंड इट, उसको अंडरस्टैंड करो, देन डू रफ वर्क, रफ वर्क करो, उसको थोड़ा फेयर करो, और जो हम लिखते हैं उसमें मैक्सिमम लिखते हैं, मिनिमम लिखते हैं, परसेंटेज एंड ट्रेंड या कंपेरिजन करते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट इज ओवरऑल, ओवरऑल कहते हैं। ये चीजें हमें अटेम्प्ट करनी है। अब इसको देखो, इसकी करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, द गिवन कॉलम ग्राफ कंपेयर द एवरेज कैलोरी इनटेक ऑफ एट डिफरेंट कंट्रीज इन 2003, इट इज मैनिफेस्ट फ्रॉम द ग्राफ दैट द हाईएस्ट कैलोरी इनटेक पर पर्सन वॉज इन यूएसए, वेयर एज द लीस्ट वॉज इन इंडोनेशिया इन द गिवन ईयर। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। द कंट्री विद द हाईएस्ट इनटेक वॉज यूएसए विद स्टैगरिंग 3350 कैलोरी कंज्यूम पर डे ऑन एवरेज, नॉट फार बिहाइंड वॉज इन न्यूजीलैंड। दोनों साथ साथ ही है, तो इसने अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। वेर पीपल कंज्यूम्ड अबाउट 3200 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द ईयर इन द क्वेश्चन, इनटेक ऑफ फॉर स्पेन एंड मैक्सिको वर स्लाइट हायर देन 2500 कैलोरीज पर डे ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। देखो ये लाइन काफी अच्छी है, आप इसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी, ऑन द लोअर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम। ये ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लाइन्स। तो ऐसी लाइन्स आपको लिख लेनी चाहिए जो आप कहीं पे भी फिट कर सकते हो। बट द कंट्रीज लाइक चाइना एट 2200 डेली कैलोरीज, इंडिया एट 2100 डेली कैलोरीज, एंड सोमालिया एंड इंडोनेशिया बोथ रफली 1800 कैलोरीज पर डे, व्हेन कंपेयरिंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, अमेरिकन हैड द हाईएस्ट कैलोरीज इनटेक एंड इंडोनेशियन हैड द लीस्ट कैलोरी इनटेक। वही बात है, वर्ड्स का उलट पुलट है, कुछ भी नहीं है, बट डाटा वही है। ओवरऑल इट कैन बी सीन द कंजम्पशन फॉर ऑल द कंट्री वेरिड फ्रॉम 1800 टू 3350 कैलोरीज पर डे। देखो जो आपका लास्ट है, लास्ट लाइन अच्छी थी इसकी काफी ज्यादा, तो हम ये देख सकते हैं कि मिनिमम तो हमें क्या दिख रहा है 1800, एंड मैक्सिमम क्या है 3350 के बीच में क्या है, सभी कंट्रीज का क्या है, एक तरह से हमारे को इनटेक दिख रहा है। ये अच्छी लाइन थी क्योंकि आपने ओवरऑल ट्रेंड शो कर दिया, मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच का सारा ट्रेंड शो कर दिया। मिनिमम कितना है, इट्स अराउंड 1800 कैलोरीज, एंड मैक्सिमम कितना है 3350। जितने भी कंट्रीज का कैलोरी इनटेक है, इट लाइज समवेयर बिटवीन 1800 कैलोरीज पर डे टू 3350 कैलोरीज पर डे, ये ट्रेंड आपने लिख लिया। सो ये हमने फर्स्ट ग्राफ कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट सेकंड ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ क्या है, देखो द चार्ट बिलो इलस्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश सर्वे ऑन टाइप ऑफ हाउसेज पीपल लाइक टेकन इन 2005। 2005 के अंदर लोगों को कैसे तरह के घर पसंद है, और ये जो सर्वे लिया गया है
ये सर्वे लिया गया है, ये 2005 में लिया गया है, तो ये चार्ट इसी के बारे में बता रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चार्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। तो ये ब्रिटिश के अंदर ब्रिटेन का सर्वे है, तो ब्रिटेन के कहाँ का सर्वे है, लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज का सर्वे है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो टाइप ऑफ हाउसेज है हमारे पास है, फ्लैट्स है, टेरेस्ड हाउसेज है एंड डिटैच्ड हाउसेज है एंड सेमी डिटैच्ड हाउसेज है। तो अगर हम लंदन की बात करें तो वी कैन सी 58% लोगों को क्या पसंद है, फ्लैट्स पसंद है, और अराउंड 15% लोगों को या 16% 70% लोगों को टेरेस्ड हाउस पसंद है, और डिटैच्ड हाउस 10% लोग से भी कम लोगों को पसंद है, और सेमी डिटैच्ड हाउस वही 18-19% के आसपास लोगों को पसंद है। तो अगर अपन इन सबको जोड़ें तो ये 58% है और ये हमारा है 8%, तो ये बन जाएगा अराउंड 68%, ये हमारा है 17 and 18, यू कैन से इट्स अराउंड 35%। तो ये मतलब कि हमारा 100% हो गया। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि लंदन के अंदर 2005 में जो मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस थी वो क्या था, इट वॉज फ्लैट्स, एंड जो लीस्ट प्रेफर्ड चॉइस थी वो था डिटैच्ड हाउसेस, और जो सेमी डिटैच्ड या टेरेस्ड हाउसेज हैं ये ऑलमोस्ट सेम पसंद थी इनकी, 16% and 18% रिस्पेक्टिवली। ये हमने लंदन का पहला बना लेंगे। सेकेंड विल बी फॉर ऑक्सफोर्ड। अब ऑक्सफोर्ड की अगर बात करें, अगर ऑक्सफोर्ड के अगर हम ट्रेंड देखें तो देखते हैं 2005 में अराउंड 29% और 28% लोगों को क्या पसंद था, फ्लैट्स पसंद थे, और टेरेस हाउसेस पसंद थे अराउंड 18% लोगों को, और 25% लोगों को पसंद क्या था, इट वॉज डिटेच्ड हाउस या 1/4 को, और 25 से थोड़ा सा ज़्यादा पसंद था क्या, सेमी डिटेच्ड हाउस। तो वी कैन से कि ऑक्सफोर्ड के अंदर जो फर्स्ट चॉइस थी लोगों की, दैट वॉज फ्लैट्स, और सेकेंड चॉइस था सेमी डिटैच हाउसेज, एंड थर्ड था जो कि 1/4 ऑफ द पीपल पसंद करते हैं डिटैच हाउसेज, वो जो लीस्ट प्रेफर्ड चॉइस थी लंदन ऑक्सफोर्ड के अंदर, इट वॉज अ टेरेस हाउसेज। वेरी सिंपल। तो ये डाटा हमारा सेकेंड का बन जाएगा। अगर हम थर्ड का देखें, कैम्ब्रिज का, कैम्ब्रिज के अंदर हम देख सकते हैं कि 20% लोगों को पसंद है फ्लैट्स, और देखो डिटैच हाउसेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अराउंड 35% लोगों को ये पसंद है, और 20% लोगों को पसंद है फ्लैट्स, और 26-27% लोगों को पसंद है सेमी डिटैच्ड हाउसेस, एंड जो लीस्ट पसंद है दैट इज टेरेस हाउसेस। ठीक है ना। तो ये हमने पहले इंडिविजुअल का अर्थ समझ लिया, और फिर हम ये देखते हैं कि ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं। ये तो हमारा, तो सबसे पहले अगर हम इंट्रो तैयार करेंगे इसका, अगर हम इस बीपी का इंट्रो तैयार करना चाहेंगे, इट विल बी लाइक, इंट्रो में क्या आएगा कि गिवन जो बार ग्राफ है, इट्स लाइक इट लेट अस नो ये क्या डिस्कस कर रहा है, इट इज इलस्ट्रेटिंग द टाइप ऑफ हाउस पीपल लिव्ड इन, हाउस प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन ब्रिटेन इन द ईयर 2005। ठीक है ना, ये तो हमने बता दिया, एक सर्वे है ये लिख देंगे हम, एंड जो हमारा बीपी बनेगा वी कैन से इसके अंदर हम एक तो बना देंगे लंदन का, पहले बना देंगे, ये हमारा इंटर हो गया, लंदन का बना देंगे, एंड देन इट विल बी ऑक्सफोर्ड, देन इट विल बी कैम्ब्रिज। ठीक है ना, आप बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो लंदन के अंदर जो हम पहली बात लिखेंगे, जो मोस्ट प्रेफर्ड है वो फ्लैट्स है लंदन के अंदर, लंदन लिखेंगे सबसे पहले, तो मोस्ट प्रेफर्ड टाइप जो है घर का वो है फ्लैट्स, और लंदन के अंदर हम देखते हैं लीस्ट प्रेफर्ड है डिटैच्ड हाउसेस, जो लीस्ट प्रेफर्ड है वो क्या होगा, डिटैच्ड हाउसेज होगा, और इनकी परसेंट लिख सकते हैं, जो हमारा ये है इट्स अराउंड 66-67%, डिटैच्ड हाउसेज इज लेस देन 10%, और 15% के आसपास टेरेस्ट हैं, एंड 15 से अबव है सेमी डिटैच्ड हाउसेज। तो यानी कि जो मेन शेयर है हमारा लंदन के अंदर वो कवर किया गया है फ्लैट्स के द्वारा, इट्स अराउंड 60-67% हाउसेज, और लीस्ट है इट्स डिटैच्ड हाउसेज, और सेमी डिटैच्ड हाउसेज इट्स लाइक अ बिट अबव 15%, एंड जो टेरेस्ड हाउसेज हैं दे आर अराउंड 15%, जो टेरेस्ड हाउसेज हैं दे आर अराउंड यू कैन से 15%। ये हमने लंदन का कर लिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा ऑक्सफोर्ड। तो जब ऑक्सफोर्ड लिखेंगे ना हम, उसमें हम ऑक्सफोर्ड लिखेंगे साथ में इसको लंदन से कंपेयर भी कर देंगे। पहले हम ऑक्सफोर्ड का मैक्स लिखेंगे, ऑक्सफोर्ड का मिनिमम लिखेंगे, ऑक्सफोर्ड का ही आगे देखते हैं क्या लिखना है।
ऑक्सफोर्ड में मैक्सिमम जो पसंद है लोगों को दैट इज फ्लैट्स। देखो यहाँ पे हमारा मैक्स फ्लैट्स है और ये अराउंड हाफ ऑफ द मीन्स विच इज वेरी लेस अराउंड 50% ऑफ द पीपल ऑफ लंदन। मीन्स लंदन में कितना था, लंदन में था इट्स अराउंड 66%, लेकिन ये क्या हो गया मैक्स तो क्या ऑक्सफोर्ड के अंदर फ्लैट्स पसंद है एंड इट्स अराउंड 28% पीपल लाइक टू हैव फ्लैट्स विच इज लाइक अ ह्यूज डिक्लाइन एज कंपेयर टू द पीपल लिविंग इन लंदन। उनकी चॉइस से काफी कम है ये। और सेकंड जो लीस्ट चॉइस अपन लिखेंगे वो है क्या, लीस्ट चॉइस लंदन के लोगों की है इस टेरेस्ट हाउस, ठीक है ना। और ये क्या है अराउंड लेस देन 20% है, यहाँ पे टेरेस्ट हाउस आ जाएगा इट्स लेस देन 20%, ठीक है ना। और बाकी के दो है डिटेच्ड एंड सेमी डिटेच्ड, दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शेयर अराउंड 25%, यानी कि हम ये कह सकते हैं डिटेच्ड एंड सेमी डिटेच्ड दोनों ही 25% के आसपास हैं। सो ये दोनों के दोनों 50% के आसपास का कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं लंदन के अंदर। अगर हम थर्ड की बात करें दैट इज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है 20% लोग हैं जिनको मैक्सिमम इज डिटेच्ड हाउसेज मोस्ट पॉपुलर, सेकेंड इज सेमी डिटेच्ड, और ये कितना बन रहे हैं 35% एंड 25%। तो ये आप 60% आप ये कह सकते हो कि जो हमारा कैम्ब्रिज है इसके अंदर क्या है मोस्ट पॉपुलर है डिटेच्ड एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलर सेमी डिटेच्ड हाउसेस। और डिटेच्ड है कितना 35%, ये कितने 25% एंड इट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ हाउस चॉइसेस वी कैन से इन कैम्ब्रिज। और जो लीस्ट प्रेफर्ड है वो टेरेस्ट हाउसेज है, ठीक है ना। और 20% चॉइस है वो फ्लैट्स की है, ठीक है ना। लीस्ट कौन से हो गए टेरेस्ट हाउसेज हो गए, और जो फ्लैट्स हैं ये 25% यानी कि 1/5 लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है लंदन के अंदर इन द ईयर 20। अब इसके अंदर हम एक और बात कह सकते हैं, हम इस ग्राफ से ये कह सकते हैं टेरेस्ट हाउस है ना, टेरेस्ट हाउस तीनों के अंदर ही मतलब एक तरह से कम इक्वल सी अराउंड 15-18% का चॉइस है। मतलब कि हम टेरेस्ट ओवरऑल के अंदर क्या लिख सकते हैं ओवरऑल के अंदर कि 15-18% लोग पसंद करते हैं टेरेस्ट हाउस को तीनों के तीनों जगह के ऊपर, ठीक है ना। ये बातें अपन लिख सकते हैं, तो एक रफ वर्क करके आप तैयार करेंगे इट्स वेरी इजी। अब ये चेक करते हैं, देखो नेक्स्ट चेक करते हैं ये है। देखो द ब्रिटिश द गिवन कॉलम ग्राफ इलस्ट्रेट हाउसेस प्रेफरेंस अमंग पीपल हु लिव्ड इन ब्रिटिश सिटीज ऑफ लंदन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज इन द ईयर 2005। फोर टाइप्स ऑफ हाउसेज आर मेंशनड सच एज फ्लैट्स टेरेस हाउसेज डिटेच्ड हाउसेज एंड सेमी डिटेच्ड हाउसेज। 58% ऑफ लंदनर्स लिस्टेड फ्लैट्स एज देयर प्रेफर्ड, a number much higher than the Oxford and Cambridge counterparts 29 and respectively. Fondness of terrace house was roughly equal. ये वही बात आ गई कि जो हमारे टेरेस हाउसेज हैं इसकी फोननेस तो तीनों में लगभग बराबर है, ठीक है ना, 16-19% है। However, a stark difference was seen among the figure reaping people who preferred detached houses with London at 9% and Oxford at 9% and Cambridge. इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है बट मेरे ख्याल से जो हमने डिस्कस किया है उसका पैटर्न काफी आसान है। तो ये देखते हैं ओवरऑल पीपल ऑफ लंदन प्रेफर्ड फ्लैट्स एंड पीपल ऑफ कैम्ब्रिज प्रेफर्ड डिटेच्ड हाउसेस। तो मेन जो हमने डिस्कस किया है वो ज्यादा अच्छा डिस्कस किया है, तो जरूरी नहीं है कि हमें इसी के आंसर्स को फॉलो करना है। एक और अपन ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ओके अभी इसमें यही रोकते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।